दोस्तों, यह है उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियाँ, जो कि उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिला खंडों से किया गया था और यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति की यात्रा के समय करते थे। इतिहास, वास्तुकला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूने में से एक है। शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा गया है और इन्हें न जाने कितनी पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। गुफाओं के मुंह दरवाजों जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु लोग आकर रहते थे, जो संसार को त्याग कर अपने तन और मन की शक्तियों के प्रवाह से निर्वाण के लिए तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों, पत्तों की सरसराहट, उजली धूप और शीतल चंद्रमा के सानिध्य में वे प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते थे। इन गुफाओं में बैठकर साधुजन शांति से समाधि लगाते थे और कठोर तपस्या करते थे। विद्वान लोग भी सत्य, शांति, मोक्ष और सौंदर्य बोध के लिए यहाँ आते थे। उदयगिरी गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी गुफाएं 118 फुट ऊंची है। ये गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की है। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। ये पहाड़िया गुफाओं से आच्छादित है, जहां जैन साधुओं के जीवन और काल से संबंधित वास्तुकला कृतियाँ हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्राचीन उड़ीसा यानी कलिंग के नरेश खारा वेला ने 209-170 ईसा पूर्व के बीच कराया था। नरेश खारा वेला को अशोक सम्राट ने हरा दिया था। यद्यपि नरेश खारा वेला जैन धर्म को मानते थे, लेकिन धार्मिक जिज्ञासाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। इन गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में होता था और गुफाओं के आवास साधना और प्रार्थना के लिए सूखे वाले स्थान होते थे, जहां वर्षा का पानी नहीं ठहरता था। इनके साथ बरामदा या आंगन होता था। छोटी छोटी सुविधाओं की भी व्यवस्था होती थी। हालांकि छत की ऊंचाई कम होती थी और कोई व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो सकता था। मुख्य रूप से ये विश्राम स्थल या शयन कक्ष थे। एक ही कक्ष में बहुत साधु रहते थे। चलिए दोस्तों, अब ऊपर चल के ऊपर का नज़ारा देखते हैं कैसा है। और हाँ, ये जो खंडगिरी के सामने में जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ के ऊपर जो मंदिर दिख रहा है, ये है जैन टेम्पल। ठीक खंडगिरी पहाड़ के सामने है। बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग आइए एक बार। चलिए अब ऊपर चल के देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसे है। ऊपर का आपको पूरे भुवनेश्वर सिटी का व्यू दिखाते हैं। बहुत धूप है दोस्तों। तो ये रहा ऊपर का नज़ारा। वाओ, यहाँ से पूरा भुवनेश्वर सिटी दिखता है दोस्तों। देखिए क्या नज़ारा है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जगह है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।